आई मीन एक छोटी सी स्टोरी ऐड करूंगा मैं, तो सुन रहा है ना तू, मैं चाहता था केके गए। अच्छा, हमेशा से, हमेशा से। मैंने भट्ट साहब को भी बोला था, ओके, मैंने मोहित को भी बोला था कि अच्छा, मेरा एक म्यूजिकल सफर जो था वो था ताल एल्बम से। हाँ, मैंने बहुत बारी बोला है, और उसके बाद और जो मुझे अंदर आया था ना कि यार मुझे म्यूजिक करना है, वो जन्नत एल्बम भी उतना ही इन्वॉल्व। हाँ, ठीक है। और जब ऑफ कोर्स केके ने नहीं गाया था वो गाना, फिर वो मैंने गाया था। उसके बाद मैंने अपना करियर के जब शोज शुरू किए थे अंकित तिवारी लाइव इन कॉन्सर्ट, मैंने एक डेढ़ साल तक मेरे शो का पहला गाना कौन सा था पता है? जरा सी दिल में दे जगह। क्या बात है। हाँ, ऑलवेज मेरा पहला गाना वो होता था। ओके। और मेरा बहुत मन था कि मैं उनके साथ काम करूं। एक गाना हम लोगों ने किया था रॉय में, फिर प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, लेकिन होता क्या था कि मैं सिंगर था, कुछ भी कर रहा हूँ तो अंकित गाएगा, ये गाएगा, तो और सोलो ऐसा एल्बम किया नहीं है मेरे पास कि मेरे पास ऑप्शन हो, तो वो करेक्ट मौका मुझे मिल ही नहीं पाया। आप विश्वास नहीं करोगे, एक बहुत ही अजीब सी बात है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कि जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बोला था ना कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उस पर जाहिर सी बात है मैं काम पहले से कर रहा था। हाँ। तो मैंने एक गाना करके रखा था, और मेरी टीम को, इनको और लोगों को मैंने बोला था यार ये मैं कोलैबोरेट करूंगा केके के साथ। अच्छा। हाँ, शो से पहले जब वो परफॉर्म करने गए थे कोलकाता, उससे पहले मेरी किसी से तो बात भी हुई थी, तो ऑफकोर्स मतलब हम लोग पहले मैं और केके एक दूसरे को जानते थे पहले से, तो करते हम लोग, मतलब वो हो रहा था कि हाँ आके मिलेंगे ये सब। और मतलब वो गाना मैं सुनता हूँ ना जो मैंने ही बनाया, तो मुझे लगता है कि मतलब ये क्या होता है, मतलब कैसे हो गया, ये क्या सोच रहे थे, क्या हो गया। तो मेरे लिए आई थिंक एक केके जो मेरे लिए ना एक इमोशन हो गया है। और जब भी मैं खुश हूँ या कुछ भी होगा, केके का नाम आएगा तो मेरा दिल नम पड़ेगा। एक गाना उनको डेडिकेट कर लेते यार इसी बात पे, उनको डेडिकेट करते हैं। चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी हमें जिंदगी, चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर मिली थी हमें जिंदगी, तेरी यादों में दिन थे मेरे दबे, तेरी बाहों में थी मेरी आँखें छिपी, वो आज भी जब वो मंजर नजर आते हैं, डारा डा डारा डा 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 डा, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। Okay, so I'm not able to sing his song actually. I know. Yeah. I can see that you are quite emotional and you're quite choked. I'm not able to sing his song. But I think that's the. मैं ऐसा नहीं गाता, मतलब मुझे पता मैंने इतना अच्छा नहीं गाया, but मेरे से बड़ा बहुत मुश्किल होता है. I know. It's one of those things. Last name, Lucky Ali, जिसके भी आप बहुत बड़े फैन हैं. आपको ना केके का सवाल last में पूछना चाहिए था. अभी बहुत problem होने वाली है. So I think we can end it. नहीं, मैं गाना बता देता हूँ. Fuck yeah. बहुत गलत है, मैं एक्चुअली इमोशनल हूं उनको लेके। और मुझे गाए नहीं जाता उनके गाने। That's right. Unfair. बहुत गलत हुआ ये। So Ankit, thank you so much for having this conversation and
आपने जो भी इंसाइट्स हमको दिए अबाउट म्यूज़िक, आप किस तरह से म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, बनाना पसंद करते हैं, किन लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, ऑफकोर्स वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट योर प्रोजेक्ट जो कि होने वाला है बहुत जल्द. मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ एक्चुअली, बहुत टाइम से लगा हुआ हूँ. चीज़ें जो समय ले रही हैं, बट आई होप कि सब अच्छा होगा. आई एम श्योर एंड वी होप टू सी यू सून ओवर हियर एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर. हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वेरी सून हमें फर्क नहीं पड़ता. तिवारी एज लॉन्ग एज इज हियर, वी आर. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस कन्वर्सेशन.